कितना आया? सही। तो दूध आ गया था, मैंने दूध चढ़ा दिया है, दूध में उबाल भी आ रहा है और ये घर का दूध भी आ गया और खीर का दूध भी आ गया। तो आज मुझे बनानी है खीर। तो मैंने घी चढ़ा दी थी और ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ रहा है और बिल्कुल धीमी आँच पर पकाती हूँ मैं, पिंक पिंक सी हो जाती है। और तेज़ आँच पर पकाने से पता क्या होता है, चावल में कच्चापन रह जाता है। तकरीबन मेरी 2.5 से 3 घंटे लगते हैं बिल्कुल हल्की आँच पर, और मैं आते जाते इसमें ऐसे चमचा चला देती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी पक रही है माशाल्लाह से। और मैं चावल को ऐसे हाथ से, हाथ के हाथ इस तरह मैं घुड़ाई करती रहती हूँ, इस तरह मैं हाथ के चावल भी नरम हो जाते हैं ना 2-3 उबाल आने के बाद, तो चावल खुद ब खुद हमारे पीस जाते हैं। साबुत चावल पकाने की खीर का जायका ही कुछ और होता है। तो मैं साबुत मैंने भिगो देती हूँ, कम से कम 4-5 घंटे चावल को भिगो देती हूँ, तो चावल भीगने से और जल्दी गलता है और खीर भी अच्छी पकती है। और मशीन में गलंडा करके चावल डालो तो उससे पता क्या होता है कि वो पाउडर वाली खीर बन जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। फिर इस तरह हम लोग चमचा चलाते रहते हैं, चावल को साइडों में लेकर उस तरह दबाते रहते हैं तो चावल हमारा पिसता रहता है। बिल्कुल हल्की आँच से पकती है, आते आते चमचा चलाती रहती हूँ हर 5 मिनट बाद कि नीचे से लगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें इलायची डाल दी थी मैंने बड़ी वाली, छोटी इलायची इतनी अच्छी हो गई है, मैं मदीने से लाई थी ये, तो इतनी सी थी और इतनी अच्छी हो गई देखिए फूल के। तो 4-5 मैंने इलायची डाल दी, बाकी इलायची पाउडर डालूँगी मैं। अच्छा बस जलेबी बनाऊँगी, फटाफट जमाऊँगी और बांटूँगी। अभी तो तकरीबन 1 बज रहा है और मैं इंशाल्लाह इसको 4-5 बजे तक तैयार कर लूँगी। जल्दी जल्दी वो काटना भी है। अच्छा जी, फिर नारियल मंगाया मैंने, पिसा हुआ नारियल। तो पिसा हुआ नारियल मुझे सफ़ेद सफ़ेद लग रहा है तो मैंने तो थोड़ा सा मैं इसको ग्रीन कर लूँ, हल्का सा बस ग्रीन कलर डालूँगी मैं, ज़्यादा नहीं डालूँगी। देखूँगी जैसे जैसे कलर अच्छा चेंज हो गया तो मैं उसके हिसाब से अपना डालती रहूँगी। बस कलर यूँ डाल रही हूँ थोड़ा सा नारियल में, पिसे हुए नारियल में थोड़ा सा कलर आ जाए, ग्रीन नारियल बन जाएगा, अच्छी लगेगी। निकल के यहाँ से डालती रहूँगी, मिलाती रहूँगी। तो जब मैंने नारियल में पिसे हुए नारियल में वो डाला ना कलर, तो कुछ इस तरह का हो गया और मुझे ये कलर अच्छा भी लगता है। ये कोकोनट जो होती है ना बर्फ़ी टाइप की, कोकोनट जो मिठाई उस टाइप का मुझे चाहिए था, तो खीर में अच्छा लगता है। देखिए इस तरह बनाया मैंने, तो मैं क्या वाइट तो बिल्कुल वाइट पे डिम हो रहा था, तो मैं क्या चलो ग्रीन डाल देती हूँ कलर, तो उसे ग्रीन को कर दिया है और इस तरह हो गया आप लोग के सामने मैंने। और मैं खीर बना रही हूँ जल्दी जल्दी, तो बनाती हूँ आप लोग के सामने, आप लोग मेरे साथ रहिए। तो मैंने खीर बना ली है, तैयार हो गई है, तो आज हम बनाएंगे अभी शॉप पर, बच्चे मेरे साथ देते हैं और बस अब गरम गरम आ गए हैं शीरमल, और जल्दी बांटूंगी मैं। चलो तो बेटा आप लोग शीरमल बनाओ। तो भाई जल्दी जल्दी बनाओ आप लोग, गरम गरम है, अच्छा किसी के घर जाए तो गरम गरम जाएंगे। जी बेटा हाँ बनाओ। तो ये मैंने इस तरह की बनवा ली, तो एक एक शीरमाल और एक एक खीर का बना के मैंने इस तरह का, और ये मैं अभी दे दूँगी अपने छोटे वाले बेटे को और वो दिल्ली।
ये मेरा भांजा आया हुआ है और ये कह रहा है कि मुझे काम दो, मुझे काम दो बस, मुझे परेशान किया हुआ है ना, काम करना है आपको, है ना। तो मैंने जली जली बनाया और मैंने बनाई है आज 11वीं शरीफ की नियाज दिलवाई थी मैंने आज, और मैंने जलीली पैकेट बनाया और मैंने कहा कि बच्चों से कि जलीली बाटी आओ। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कहती हूँ अल्लाह हाफिज़।